हेलो दोस्तों, कार एंड जी टैक्स सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा रेनो क्विड के अलॉय व्हील के ओनर रिव्यू। तो मेरी गाड़ी में जो अलॉय व्हील लगाए हैं उनको अभी 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और 3 इयर्स में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा आज की इस वीडियो में वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अलॉय व्हील की डिमेंशन की। तो जो 2016 में दोस्तों रेनो क्विड आती थी उनका जो टायर साइज था वो 13 इंच था, तो मैंने 13 इंच के ही अलॉय व्हील अपनी गाड़ी में लगाए हैं, और जो टायर हैं वो मैंने अपग्रेड नहीं किए, स्टॉक टायर ही जो गाड़ी में आते हैं उनको ही अलॉय व्हील के साथ मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों बात करते हैं माइलेज और परफॉर्मेंस की। दोस्तों, माइलेज और परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला। अराउंड 30,000 किलोमीटर गाड़ी अलॉय व्हील लगाने के बाद चल चुकी है और कोई भी माइलेज और परफॉर्मेंस में मुझे इशू देखने को नहीं मिला। इसका मेन रीज़न ये भी है क्योंकि मैंने जो टायर है वो स्टॉक टायर ही यूज़ कर रहा हूँ अलॉय व्हील के साथ, मैंने टायर को अपग्रेड नहीं किया। क्योंकि माइलेज और परफॉर्मेंस का इशू वहाँ देखने को आता है जब हम अलॉय व्हील लगाने के साथ जो टायर का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो वहाँ पर माइलेज भी ड्रॉप होती है दोस्तों और परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों ब्रेकिंग की। ब्रेकिंग भी नॉर्मल है, जैसी ब्रेकिंग मैं पहले यूज़ करता था अलॉय व्हील लगाने के बाद भी ब्रेकिंग वैसी है, कोई ब्रेकिंग में देखने को इशू नहीं मिला, सेम वैसी ब्रेकिंग अभी चल रही है। तो टायर लाइफ की बात करें तो दोस्तों 43,000 टोटली जो गाड़ी किलोमीटर चल चुकी है, तो टायर लाइफ अभी 50 से 60% जो टायर्स की लाइफ अभी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि अलॉय व्हील लगाने से जो टायर की लाइफ कम हुई है या फिर टायर का अदर कोई इशू आया है। तो दोस्तों ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है अलॉय व्हील के साथ मेरा बहुत अच्छा रहा, कोई भी हैंडलिंग में इशू नहीं आया, कोई ब्रेकिंग में इशू नहीं रहा, माइलेज परफॉर्मेंस में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर आप अपने टायर का साइज जो अपग्रेड करते हो गाड़ी का बहुत ज़्यादा, तो आपको परफॉर्मेंस और माइलेज और हैंडलिंग में इशू देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ अलॉय को ऐड करते हो तो कोई भी इशू आपको देखने को नहीं मिल सकता। तो वीडियो के लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं अलॉय व्हील की प्राइस की। 3 इयर्स पहले जब मैंने अलॉय व्हील परचेज किए थे तो इनका प्राइस जो था वो 60,400 रुपीज़ था विद फिटिंग।